आज ऑक्सीजन की होर्डिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के एमएलए और मंत्री इमरान हुसैन को कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि आखिर उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। इस मामले में दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इमरान हुसैन और आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के पेज पर यह प्रचारित किया गया था कि जिन लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है वो इमरान हुसैन के यहाँ से ले सकते हैं, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगी जिसमें इमरान हुसैन जो एमएलए हैं आम पार्टी के, उनके बारे में था कि उन्होंने अपने यहाँ ऑक्सीजन होर्डिंग करी हुई है और वो उसको अपने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि सारा ऑक्सीजन का आवंटन अपने ऊपर टेक ओवर कर ले। तो इस इशू पे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और इमरान हुसैन को नोटिस करते हुए कहा है कि वो खुद पर्सनली पेश हों कोर्ट में और इसका जवाब दें। असम में सीएम उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। आज एक बार फिर बीजेपी ने बैठक बुलाई है। जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा को आज दिल्ली बुलाया। सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात होगी। इससे पहले कल अमित शाह के घर पर भी लंबी बैठक चली, जहां असम के अलावा बंगाल के लिए विधायक दल के नेता को चुनने के लिए माथापच्ची का दौर चला। बंगाल हिंसा को लेकर घमासान जारी है। बंगाल हिंसा पर होम सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। अब 10 मई को अगली सुनवाई होनी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए कल राजभवन पहुंची। वहीं टीएमसी की ओर से मिथुन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिन पर लोगों को भड़काने का आरोप है। कंगना रनौत ने अपने खिलाफ पश्चिम बंगाल में एफआईआर होने पर जमकर भड़ास निकाली है। कंगना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बंगाल हिंसा से जुड़े कई पोस्ट लगा रही है। इन पोस्ट्स के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रिजु दत्ता ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब कंगना ने इस पर रिएक्शन दिया है। कंगना का कहना है कि एफआईआर से उनकी आवाज बंद होने वाली नहीं है। सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसती दिख रही है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक दें।